ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास। और जनता ने उसी पर भरोसा कर कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किया। और मोदी जी का जो मैजिक था, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा तो वही काम आया है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ तो इस समय की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बंपर वापसी। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार रिटेन नहीं कर रही, 18 साल बाद बीजेपी 160 से ज्यादा सीटें लेके आ रही है। राजस्थान में 112 115 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को, और तेलंगाना में कांग्रेस प्लस अलायंस जो है वो 65 सीटों पर बीआरएस से सत्ता छीनती हुई दिख रही है। लेकिन वहां मुख्यमंत्री को लेके एक बहुत बड़ा पेच है, लेकिन हिंदी पट्टी से कांग्रेस साफ हो गई है, हाफ भी नियम कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी पट्टी से बुरी तरह से साफ हुई है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये जीत के क्या मायने हैं? भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली राजस्थान जीती है, स्वीप करा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें कोई दो राय नहीं है। वुमेन वोट जो है, महिला वोट जो है, वो डिसाइसिव फैक्टर रहा है और वो पैन इंडिया फिनोमिना है, वो वोट बीजेपी को प्लस कर रहा है। इसके अलावा पॉलिटिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस जो है वो पे कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार रिटेन नहीं कर पाई, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 15 साल अपनी सरकार को रिटेन करा था, सिर्फ 5 साल का मौका मिला कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उसके बाद फिर सत्ता रिटेन नहीं कर पाई। और राजस्थान छत्तीसगढ़ दोनों में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में बीजेपी 18 साल बाद भी अपनी सरकार रिटेन करती हुई दिख रही है। लेकिन मैं आऊंगा ओबीसी और एसटी पॉलिटिक्स के ऊपर। विपक्ष का जातीय जनगणना का जो पेच था पूरे मध्य भारत और उत्तर भारत के अंदर, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है और सनातन को गाली देना बहुत भारी पड़ गया है। मेरे साथ प्रकाश जावड़ेकर है, फॉर्मर मिनिस्टर है, बीजेपी के स्टॉलवर्ट लीडर है। प्रकाश जी, अभिनंदन है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहां हैं, पुणे में हैं या दिल्ली में हैं? नहीं, मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में आप, तो दिल्ली में कौन सी मिठाई आपने खाई, क्योंकि सर्दी का मौसम है, गुलाब जामुन खाया या जलेबी खाई आज? अरे सबको लड्डू खिलवा रहा हूँ सबको, आप भी आइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस जीत पर। लेकिन क्या इस जीत के 3 बड़े मैसेज क्या है? 3 बड़े मैसेज है कि अगर सच्चे दिल से देश को आगे ले जाने के लिए कोई करिश्माई नेतृत्व काम करता है तो लोग उसको साथ देते हैं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि दुनिया में नेता जितना काल सत्ता में रहेंगे उनकी लोकप्रियता घटती है जी, अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं भी हो। लेकिन यहाँ मोदी जी की लोकप्रियता 10 साल के बाद और बढ़ी है, विश्वसनीयता और बढ़ी है, लोगों का विश्वास है कि यही देश का अच्छा करेंगे और इसलिए लोग वोट देते हैं। ये पहला मैसेज। दूसरा मैसेज ये कि अब लोकसभा में इस बार हम 400 सीटें प्राप्त करेंगे, ये होने वाला है, क्योंकि साउथ में अभी नहीं मिला है, लेकिन कर्नाटक में भी हम 25 से ज़्यादा सीटें लाएंगे। तेलंगाना में 9 अगर सीटें हमें मिल रही है विधानसभा की, तो हमें 9-10 सीटें मिलेंगी पार्लियामेंट की। और केरला में भी मैं देखता हूं, तेलंगाना में, तेलंगाना पे आप पे आरोप ये, क्योंकि आपने तेलंगाना का जिक्र किया, तेलंगाना पे आप पे आरोप ये लग रहा है कि लास्ट में आपने बाजी को छोड़ दिया। कर्नाटक में जब हार हुई तो बीजेपी ने अपनी बाजी को छोड़ दिया, अगर बीजेपी दमखम के साथ लड़ती तो बीआरएस नंबर 3 होती और बीजेपी नंबर 2 होती, या फिर कांग्रेस भी सरकार बना पाती कि नहीं बना पाती, इसमें भी सवाल होता। लेकिन बीजेपी ने अपना पाए क्यों छोड़ा तेलंगाना के अंदर, इस पे एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, हर एक का अपनी राय होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचार करने वाली पार्टी है, इसीलिए आगे बढ़ी है। और हम विजय का भी एनालिसिस करते हैं और पराजय का भी करते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी हुआ है चुनाव में, अच्छा बुरा जो भी कहीं हुआ है, सुधार के लिए हमेशा हम चर्चा करते हैं, तो चर्चा से नवनीत ही निकलेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आज भले हमें 9 सीटें मिली है, अगर तेलंगाना में 9 या 10, उतनी ही सीटें हमें पार्लियामेंट में मिलेगी तेलंगाना में। क्यों जी? तो लोग मोदी जी के साथ है, इस बार भी थे, वो
एक था हर चुनाव का एक थीम होता है। इस समय एक सवाल चुनाव का थीम इस बार ये था जी जी प्रकाश जी, एक सवाल हराना ये थीम था। और इसलिए कौन, हाँ एक सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वसुंधरा जी के साथ जाएगी पार्टी या कोई नया चेहरा? और मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री? अरे भाई ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड टीवी में आकर नहीं निकले, वो चर्चा करती है, चर्चा करके निर्णय करके टीवी पर बताते हैं जी। मेरे साथ तो आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। मेरे साथ सुभ्राष्ट्रा भी है, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है सुभ्राष्ट्रा। योर क्वेश्चन टू प्रकाश जी, पूछिए पूछिए सुभ्राष्ट्रा। अब प्रकाश जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या आपको लगता है कि ये 2024 की झांकी है या रीजनल पार्टीज को लेकर के अभी भी 2024 को लेकर के भाजपा को नई रणनीति कुछ और बनानी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है इनको देखकर? नहीं नहीं, देखो ये इंडिया अलायंस क्या था, इंडिया अलायंस ने तीन प्रयास किए। एक तो इस देश का जो भक्तिभाव है उसी को तोड़ने का काम किया, वो वंदे मातरम का भी विरोध करते दिखे दिए, वो भारत माता की जय का भी विरोध करते हुए, राम का अस्तित्व नकारते हुए, ये एक तरफ हुआ। देश भावभक्ति और देशभक्ति दोनों इस देश का भाव है, और इसलिए इसके साथ साथ उन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया, उन्होंने वो डायनास्टिक पॉलिटिक्स किया, और उन्होंने करप्शन किया। तो इसीलिए अब महादेव को भी नहीं छोड़ा छत्तीसगढ़ में, जिसकी सारे देश पूजा करता है उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी जुआरी के इसमें लगाया। तो ये जो काम किया इसकी तो सजा मिलनी ही थी, तो लोगों ने दी। एक बड़ी खबर आ रही है, अशोक गहलोत अपना इस्तीफा आज शाम 5:30 बजे सौंप देंगे, और सूत्रों के हवाले से खबर है उत्सव, कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि रणनीति सनातन को गाली देने की भारी पड़ी है, और मीडिया को जिस तरह से टारगेट करा वो रणनीति भी भारी पड़ी है, कुछ लोकप्रिय चेहरों को बॉयकॉट करना भारी पड़ गया है पार्टी के लिए, ये कहा जा रहा है। और हिंदी पट्टी में साफ हो गई है कांग्रेस। मेरे साथ दुष्यंत नागर भी है, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। दुष्यंत जी, जी प्रकाश जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदी, दुष्यंत जी पूछिए, हिंदी बेल्ट में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीती है तो निश्चित रूप से ये उत्साहवर्धक है पार्टी के लिए, लेकिन साउथ में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जी भारतीय जनता पार्टी कुछ हासिल नहीं कर पाई, तो क्या 2024 के लिए जिस प्रकार से एक बड़ा चित्र खींचने का प्रयास किया जा रहा है वो हिंदी पट्टी के भरोसे क्या संभव है? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, कर्नाटक में हम सत्ता में अभी नहीं है, फिर भी हम 25 सीटें 28 में से जीतेंगे। हम तेलंगाना में अभी केवल 9 सीटें विधानसभा में 9 या 10 प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में 17 में से 10 सीटें हम जीतेंगे। केरल में हम पहली दफा 4-5 सीटें जीतेंगे, और तमिलनाडु में हमारा खाता खुलेगा। ये जो हो रहा है इसका मतलब है कि अब देश ने करवट बदल ली है, देश ने आम आदमी का जो सोच होता है रोबस्ट कॉमन सेंस वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो देखते हैं कौन अच्छा है देश के लिए। तो उनका एकमात्र उत्तर है, कहीं भी जाओ आप देश के, मैं तो केरल में हमेशा जाता हूँ, वहाँ सबको पूछता हूँ तो सभी कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री होंगे। तो मोदी प्रधानमंत्री होंगे ये जब मालूम होता है तो लोग मोदी जी के साथ जाते भी हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है जावड़ेकर जी, बनाई उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ जाएगा क्योंकि 2019 में आपको 2018 में झटका लग गया था, लेकिन 2023 में आपको सफलता मिली है, कहीं 24 में झटका ना लग जाए। याद करिए अटल जी का वो दौर, 2003 में आप चुनाव जीत कर आए विधानसभाओं के और 2004 में आप हार गए। नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताता हूं जी इसमें मुद्दा क्या है, लोगों का भाव क्या है। तो लोग वहां तेलंगाना में जो हुआ जो आज देख रहे हैं उसका एकमात्र कारण है कि बीआरएस को हटाना, ये मुख्य उद्देश्य था, तो कौन हरा सकता है तो उसको वोट दिया, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें और दुर्भाग्य से हम वो चित्र प्रेजेंट नहीं कर पाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कर्नाटक में हम अभी सत्ता के बाहर है फिर भी हम 25 सीटें 28 में से जीतेंगे, क्योंकि
आज तो विश्लेषण कर लेते हैं, लेकिन राजस्थान में कई कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए हैं, बीजेपी के स्टारवर्ट नेता सतीश पुनिया चुनाव हार गए हैं। यानी आप देखें अगर तो राजकुमार भाटी ऐसा नहीं है कि आपका प्रकाश जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार भाटी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सारे दिग्गज हारे हैं।